is replaced by 77. Find the new median. Find the new median. If 2 is replaced by 1 and 17 is replaced by 77, the median, new median will be 10 only. Because samjhana tha, median is not affected by extreme values. मीडियम को इन एक्सट्रीम वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता. मीडियम को झोल झाल तब होता है जब मिड वैल्यू के अंदर कुछ चेंज आ जाए. अगर दो बड़ी बड़ी चीजें कुछ भी चेंज हो रही है, ये 2 का 0 हो जा रहा है, माइनस में चला जा रहा है, वो 17 का 770 भी हो जाएगा, तो भी मीडियम को अफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट मीन इज अफेक्टेड बाय द सेम, मीन इज अफेक्टेड बाय ईच एंड एवरी ऑपरेशन, बट मीडियम इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. सर फिर क्या मीडियन का कुछ और क्वेश्चन भी आ सकता है? बेटा मीडियन का अगर मैं तेरे को बताऊं तो डिस्क्रीट सीरीज में कैसे आएगा अगर अपन समझे तो? तो दो मिनट मेरे से डिस्क्रीट सीरीज समझ ले, बहुत इजी है. अगर मैं तेरे को बोलूं मेरे पास एक्साई है, समझो एक्साई गिवन है, बच्चों के मार्क्स गिवन है 10, 20, 30, 40, 50 और उनकी फ्रिक्वेंसी 10 मार्क्स, क्लास के 4 बच्चों का है, ये 5 बच्चों का है, 6 बच्चों का है, 3 बच्चों का है और यहाँ पे ये मार्क्स 2 बच्चों का है. ठीक है, अब आपको इसका मीडियन निकालना है. क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? हाँ, बड़ी बात, सिंपल सा क्वेश्चन. स्टेप वन इज अब सीएफ निकालना है. निकालोगे सीएफ 4 प्लस 5 कितना हुआ 9, 9 प्लस 6 कितना हुआ 15, 15 प्लस 6 कितना हुआ 18, 18 प्लस 2 कितना हुआ 20. तो आपको टोटल मिल गया 20. तो स्टेप वन आपकी होती है कि यू विल फाइंड बाय एन बाय 2. आप क्या निकालोगे? एन बाय 2. n by 2 का मतलब होता है 20 by 2 means 10. 20 by 2 means what? 10. 20 by 2 is 10. Okay. अब 10 को ढूंढोगे आप CF में. इस 10 को आप कहां देखने वाले हो बेटा? CF में. कि अगर 10 मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो 10 के अगले वाला. अगर 10 मिल जाए तो अच्छा, मतलब 10 के अगले वाला. तो 10 को देख के तो हमारे मन में एक ही गाना आता है कि 10 अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम. 10 मिला क्या? नहीं. अगर 10 ना मिले तो उसके अगले क्या है? 15, उसको पकड़ लेना. तो अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम ना मिलो तो अगले को पकड़ लेंगे. लाइफ मस्ट मूव ऑन. तो सर ये आपका मिल गया. सर स्टेप वन क्या होती है? स्टेप वन मीन्स फाइंड सीएफ, फाइंड व्हाट? सीएफ. स्टेप टू क्या होती है बेटा? फाइंड एन बाय टू. फाइंड व्हाट? एन बाय टू. स्टेप थ्री क्या? लुक एन बाय टू इन सी एफ एंड सिंग अ सॉन्ग, एंड सिंग अ सॉन्ग. अगर वो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो. अब सर इसमें मीडियन क्या है? मेरे पास तीन ऑप्शन है, 30 है मीडियन कि 6 है मीडियन कि 15 है मीडियन. आपने सर गोला तो बना लिया, अब इसके बाद में तो एक क्वेश्चन है कि सर ये गोला बनाने के बाद अब मीडियन क्या है? तो बेटा मीडियन ऑलवेज बिलोंग्स टू एक्साई. मीडियन ऑलवेज बिलोंग्स टू एक्साई. बच्चों के मार्क्स मीडियन हो सकते हैं, बच्चे थोड़ा मीडियन हो सकते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? मीडियन ऑफ दी सीरीज वुड बी 30. तो जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो तो बच्चा बड़ी खुश होके 15 को मीडियन बोल देता है, भावनाओं में बैठे. 15 इज नॉट अ मीडियन, 15 इज हेल्पिंग अस टू फाइंड आउट द क्लास. इवन 15 इज नॉट हेल्पिंग अस, 10 इज हेल्पिंग अस. हम तो 10 को ढूंढ रहे थे, 10 नहीं मिला तो हमने क्या ले लिया? 15. चलो तो बेटा एक चीज सिर्फ और समझ ले, क्या यहां तक क्लियर हो गया? अगर एक छोटा सा क्वेश्चन और दूं मैं तुमको कि मुझे आपको समझाना चाहिए कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 अगर ऐसी सीरीज है तो ऐसी सीरीज में मीडियन कैसे निकलता है? हम एफआई ले लेते हैं. ठीक है, स्टेप वन क्या होगी? फाइंड सी एफ. स्टेप वन क्या होगी? फाइंड सी एफ. चार, चार प्लस छह कितना हुआ? 10, 17, 20, 22 मींस योर टोटल इज 22. सो योर स्टेप वन इज कंप्लीट. सो व्हाट वाज द स्टेप वन? स्टेप वन मींस फाइंड सी एफ. फाइंड व्हाट? सी एफ. व्हाट वाज द स्टेप टू? फाइंड एन बाय टू. तो एन बाय टू इज 22 बाय 2, दैट इज व्हाट? 11. स्टेप थ्री इज व्हाट? फाइंड 11 इन सी एफ. फाइंड 11 इज सी एफ. अगर ये मिल जाए तो जमाना छोड़ देंगे हम, ना मिले तो अगले को. तो अगला क्या मिल गया आपको? 17. तो फाइंड
11 NCF, ठीक है ना, और एक्सेप्ट हायर वैल्यू, और एक्सेप्ट फोर्थ स्टेप तुम्हारे पास बेटा क्या होती है, फॉर्मूला। फोर्थ स्टेप क्या होती है तुम्हारे पास, फॉर्मूला। और बेटा वो फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस M बाय 2 माइनस CF, CF पे ऐसे बाइगोन का हाथ बनाता है F इंटू H। अब समझने की बात है, यहां पे L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास इंटरवल। बेटा लोअर लिमिट तुम्हारे पास कितनी है, 20। लोअर लिमिट कितनी है बस 20। एन बाय टू, एन बाय टू का मतलब कितना आया था अपना, 11। बेटा सीएफ पे वायु का हाथ बनाए मतलब जहां पे आपका गोला करा हुआ है उसकी सीएफ नहीं लोगे, उसके ऊपर वाले की सीएफ, उसके ऊपर वाले की। तो इसके ऊपर वाला क्या हो गया बेटा 10 अपॉन में क्या लोगे 7 जो एफ है, इंटू एच का मतलब होता है इनका डिफरेंस, दैट इज व्हाट 10। तो हमारा मीडियन आ जाएगा 20 प्लस 1 बाय 7 इंटू 10, तो कहने का मतलब है 20 प्लस 10 बाय 7, 20 प्लस व्हाट 10 बाय 7, तो इट वुड बी 21.4 अप्रोक्स आपका ये आंसर आ जाएगा। क्या मुझे एक चीज और समझानी थी, आई होप मीडियन इज क्लियर थोड़ा बहुत। अगर कभी मोड निकालना हो तो बेटा मीन मीडियन और मोड में से, मीन मीडियन और मोड में, मोड सबसे इजी चीज होती है, क्योंकि बेटा अगर मैं देखो बोलूं कि मुझे इस सीरीज का मोड निकालना है 2, 5, 3, 7, 2, 5, 6, 2, 1, तो जो नंबर विच ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इज द मोड, द नंबर विच ऑकर्स मैक्सिमम टाइम नंबर ऑफ टाइम इज द मोड, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, क्योंकि 2 तीन बार आ गया इसे 2 क्या हो गया मोड, तो मोड इज इक्वल टू क्या हो गया इस क्वेश्चन का 2। वेरी मच इजी, जो 5 तीन बार कहा आते तो बेटा 1 है ना, दिस इज 1, ठीक है, बोलो कोई डाउट तो नहीं आता। तो मोड तुम्हारे पास क्या आ गया 2। सर कभी क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो बच्चों के मार्क्स देख रखे 2, 4, 6, 8, 10 ये बच्चों के मार्क्स है, और 5 बच्चों को इतना है 7, ये 6 बच्चों को, ये 12 बच्चों के, 3 बच्चों को, तो इस क्वेश्चन का मोड क्या है, मोड मोड मोड, जितने बच्चे गलती से 12 बोल रहे थे 12 मोड नहीं है, हाईएस्ट नंबर बच्चों कितने हैं, सबसे ज्यादा बच्चों के मार्क्स हैं 8। तो बेटा मोड कहां से निकलेगा, एफ आई से कि एक्स आई से, एक्स आई से, तो द मोड ऑफ दी सीरीज वुड बी व्हाट 8, मोड ऑफ सीरीज वुड बी 8। एम आई वेरी मच क्लियर विद दिस, ठीक है। चलिए अगर मेरे को थोड़ा सा बच्चों को आगे समझाना है तो कभी मुझे सीरीज ऐसी आ जाए, तो भी मोड निकालना बहुत इजी है। स्टेप वन होती है आइडेंटिफाई द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इस पूरे में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ सर, इसके जस्ट ऊपर वाले को मानते हैं अपन एफ जीरो, इसके नीचे वाले को मानते हैं एफ टू। तो सर आप एक बार फिर बता दो बेटा इन सब में सबसे बड़ा कौन दिखा, 7, तो हमने 7 को क्या मान लिया, एफ, 7 को क्या मान लिया हमने, एफ। तो मेरे पास मोड का फॉर्मूला होता है बेटा L1 प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। तो बच्चा डरे ना, उसको ये फॉर्मूला मिल जाएगा किसका, L1 क्या होता है 20 प्लस F1 कितना है उसके पास 7 माइनस F0 कितना है 5, 2 इनटू 7 माइनस 5 माइनस 6 इंटू एच, एच इज द डिफरेंस, दैट इज व्हाट 10। तो तुम्हारा जाएगा 20 प्लस 7 माइनस 5 कितना हुआ 2, 14 माइनस 11 इंटू 10, तो 20 प्लस 20 बाय 3, 20 प्लस कितना 20 बाय 3, तो ये तुम्हारा आएगा 6.66। तो मेरा फाइनल आंसर जो आ गया वो आ गया 26.66। बोले कोई डाउट नहीं आता, क्या है मतलब मोड समझ में आ गया, तो आपको मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, दोनों इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में आ गया, बोलो कोई डाउट तो नहीं आता, क्या वेरी मच क्लियर।